नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इलेवन आईपीएल के सातवें मैच के प्रीव्यू वीडियो के साथ मैं आपका भाई आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा चैनल पीबीसी क्रिकेट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच के मुकाबले के बारे में। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्या होने वाले है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11, क्या होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11, दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबला, दोनों ही टीमों के बीच लास्ट मैच का विनर और फिर फाइनल मैच प्रेडिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 से। तो सीएसके की ओर से ओपनिंग करने आएंगे शेन वॉटसन के साथ मुरली विजय, नंबर 3 पर फैब डू प्लेसी, नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 5 पर एमएस धोनी, नंबर 6 पर केदार जाधव, नंबर 7 पर सैम करन, नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 9 पर दीपक चहर, नंबर 10 पर पीयूष चावला और नंबर 11 पर जॉस हेजलवुड। तो दोस्तों, लुंगी एंगिटी दो मैचों से काफ़ी बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जॉस हेजलवुड को उनकी जगह खिलाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सीएसके चाहे तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सीएसके को छठा बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उनकी डेथ बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा विकल्प होने वाले हैं शार्दुल ठाकुर। तो चलिए अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की ओर। तो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शिखर धवन के साथ ओपन करने आएंगे पृथ्वी शॉ, 3 नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर, 4 नंबर पर सिमरन हेटमायर, 5 नंबर पर ऋषभ पंत, 6 नंबर पर मार्कोस स्टोइनिस, 7 नंबर पर अक्षर पटेल, 8 नंबर पर अमित मिश्रा, 9 नंबर पर कगिसोर अबाडा, 10 नंबर पर एनरिक नोकिए और 11 नंबर पर मोहित शर्मा। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सिर्फ एक ही बदलाव होगा, चोटिल रविचंद्रन अश्विन की जगह आएंगे अमित मिश्रा और बाकी पूरी की पूरी टीम वैसी ही रहने वाली है जैसी कि लास्ट मैच में थी। तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम के हेड टू हेड मुकाबले की। तो इन दोनों टीमों के बीच कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 15 में जीत मिली है सीएसके को और सिर्फ 6 मुकाबले ही जीत पाई है दिल्ली कैपिटल्स। तो दोनों टीमों के बीच जो लास्ट मैच हुआ था उसमें भी सीएसके 6 विकेट से जीती थी। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल मैच प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों, देखा जाए तो दोनों ही टीम की बैटिंग और बॉलिंग बहुत ही तगड़ी है, दोनों ही टीम के ऑलराउंडर्स उनके मजबूत पक्ष हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है, पर जो भी कहिए सीएसके की दावेदारी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और पीबीसी क्रिकेट के हिसाब से सीएसके ही इस मैच को जीत रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ड्रीम इलेवन आईपीएल के 8वें मैच के प्रीव्यू वीडियो के साथ हम कल फिर वापस आएंगे, पर जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।